दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए। चुनाव के बाद रणनीतियों पर चर्चा हुई, तो वही बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीट मिल रही है और बीजेपी को करीब 220 सीट मिल रही है। इसके साथ ही एनडीए को करीब 235 सीट मिल रही है। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पर स्थिर और मजबूत सरकार बनाने जा रहा है। विपक्षी गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार के फैसले पर केजरीवाल ने कहा कि पीएम पद का फैसला 4 जून को परिणाम सामने आने के बाद लिया जाएगा, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं 2 जून को सरेंडर करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो देश के लिए पूरी जिंदगी जेल में रहने को तैयार है। कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी 5 प्रधानमंत्री का चेहरा 4 तारीख को डिसाइड होगा। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को राव रेवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत पर तत्काल राहत नहीं मिली है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने इस फैसले पर फैसला 5 जून को सुनाने का निर्णय लिया है और ऐसे में केजरीवाल को कल सरेंडर करना पड़ेगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।